अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपकी ब्यूटिशियन आयशा महफूज आप लोगों के साथ हाजिर है आप लोगों के लिए आज एक नई वीडियो लेके। ठीक है, और हम लोग जो है मंडे और फ्राइडे को हमारी क्लास होती है बेसिक टू एडवांस मेकअप कोर्स। लोगों को काफ़ी सारा कुछ बता दिया है आप लोगों के साथ, काफ़ी बेसिक बातें शेयर कर ली हैं। इसी तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है वो कलर करेक्टर के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों को मज़ीद इसके ऊपर डिटेल बता दूँ और थोड़ा सा आप लोगों के साथ रिवाइज कर लूँ। ठीक है, तो आप लोग जो है कलर करेक्टर और आज हम जो है वो डिफरेंस देखेंगे कंसीलर के अंदर। ठीक है, और हम जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, जिन लोगों ने कलर करेक्टर की क्लास ली है उनके लिए ये रिवाइज क्लास हो जाएगी, लेकिन उनको साथ ही कंसीलर के बारे में भी समझने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कलर करेक्टर देखना है कि हम कलर करेक्शन करते क्यों हैं, हमें कलर करेक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो कलर करेक्टर की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि जब हमारी स्किन जो है वो इवन टोन में नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि हमारी स्किन है और वो यहाँ से बहुत वाइट है, ठीक है, यहाँ से बहुत वाइट है और यहाँ से डार्क सर्कल्स हैं। ठीक है, और फिर कुछ लोगों को यहाँ से ब्लैक होना शुरू हो जाती है स्किन, या फिर कुछ लोगों को छाइयाँ पड़ जाती हैं, कुछ लोगों के होते हैं एक्टिव पिंपल्स होते हैं जो रेड कलर से होते हैं। ठीक है, और कुछ लोगों को कैल्शियम की कमी की वजह से जो है वो यहाँ पे यालोश यालोश निशान पड़ना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों को एक्ने स्कार्स के जो निशान होते हैं लाइट लाइट से, और ये सब जो है वो हमारी स्किन के प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारी स्किन के फीचर्स के प्रॉब्लम हैं जो हमें एक्नॉलेज करना है कि हमें इसे कैसे इवन टोन में लेके आना है। तो हमें जो है वो अपनी स्किन को इवन टोन में लाने के लिए, जो हमारी स्किन के ऊपर स्पॉट्स हैं, दाग धब्बे हैं, दाने हैं, उन सबको एक टोन में लाने के लिए जो है वो हम क्या यूज़ करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं कलर करेक्टर। अच्छा, कलर करेक्टर को समझने के लिए आप लोगों को समझना होगा कलर व्हील, जो कि मैं अपनी सेकेंड या थर्ड क्लास में जो है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप उसको अगेन देखिए, और साथ ही मैं आप लोगों को यहाँ पे दोबारा समझा देती हूँ। तो हाँ, मैं एक बोर्ड पे आपको दोबारा समझा देती हूँ कि ये बोर्ड देखिए आप लोग। ठीक है, यहाँ पे हम कलर करेक्टर जो होते हैं ना, ये बहुत सारे कलर में होते हैं। ठीक है, लेकिन हमें पहले ही देखना है गाइस, ये देखिए, ये मैंने आप लोगों के लिए, ठीक है, ये थोड़ा सा इस लाइट को जो है, ये लाइट जो आपको शो हो रही है इसको थोड़ा सा आप लोगों ने इग्नोर करना है क्योंकि ये रिंग लाइट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने अगेन एक कलर व्हील बना दिया है, ठीक है, जिसके अंदर रेड, येलो और ब्लू, ये जो थ्री कलर्स हैं ये हैं प्राइमरी कलर्स। ठीक है, और ऑरेंज, पर्पल और ग्रीन ये हैं सेकेंडरी कलर, जो कि इन्हीं रेड, येलो और ब्लू कलर्स यानी प्राइमरी कलर से मिलके बनते हैं। अब कैसे बनते हैं, जब हम रेड और येलो कलर को मिक्स करते हैं तो कलर आता है ऑरेंज, जब हम रेड और ब्लू कलर को मिक्स करते हैं तो कलर आता है पर्पल, ठीक है, और येलो और ब्लू को मिक्स करने से कलर आता है ग्रीन कलर। ठीक है, अब ये हो गए कलर्स जो कि मैंने आपको बताए हैं कि रेड, येलो और ब्लू कलर ये हैं प्राइमरी कलर, और इन कलर्स को मिक्सिंग करने से बनते हैं सेकेंडरी कलर जो कि ऑरेंज, पर्पल और ग्रीन कलर है। अच्छा, अब ये जो थ्री कलर्स हैं रेड, ऑरेंज और येलो, ये हैं वार्म कलर्स। ठीक है, वार्म, ये हैं वार्म कलर, रेड, ऑरेंज और येलो ये हैं वार्म कलर्स, जबकि पर्पल, ब्लू और ग्रीन ये हैं कूल कलर्स। अब हमने ये क्यों समझना है, इसलिए कि जब हमारी जो स्किन है तो हमें अपनी स्किन के ऊपर जब मेकअप करना होता है तो हम चाहते हैं कि हमारी स्किन लगे इवन टोन में, फ्लॉलेस बेस बैठे। ठीक है, लेकिन जब हमारे स्किन के ऊपर दाग धब्बे होंगे, जैसे कि अक्सर हमारे जो स्किन है जिसका कलर जो है वो फोरहेड से चेंज होता है, अक्सर लोगों की ये स्किन वाइट होती है तो ये हिस्सा जो है वो ब्लैक होता है,
ठीक है। कुछ लोगों को इसी जगह पे जो है वो पिंपल्स, एक्टिव पिंपल्स होते हैं तो वो रेड रेड कलर्स के होते हैं। कुछ लोगों को चाइयाँ हो जाती हैं यानी एक्नेस पिगमेंटेशंस होती है, कुछ लोगों को एक्ने स्कार्स होते हैं, कुछ लोगों को येलो येलो धब्बे होते हैं। अब क्या है कि आपकी स्किन का टोन एक कलर में नहीं है, ठीक है, यानी आपकी स्किन एक कलर में नहीं है। तो जब आप एक कलर में नहीं होगी और आप बेस लगाएंगे तो वो स्किन के अंदर से छलकेगा तो नज़र आएगा, यानी कुछ देर के बाद आपकी स्किन के ऊपर आपके वही बेस के अंदर से आपकी जो भी चेहरे की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो नज़र आने लगेंगी। तो आपकी बेस जो है वो मज़े की नहीं लगेगी और उसकी वजह से आपका मेकअप अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें इन्हीं चीज़ों को छुपाने के लिए, इन्हीं चीज़ों को ठीक करने के लिए, अपने कलर को एक टोन में लाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कलर करेक्टर, ठीक है। अब कलर करेक्टर जो है वो डिफरेंट कलर के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बता दिया कि प्राइमरी कलर से मिलके बनते हैं सेकेंडरी कलर। तो इसी तरह हमारी स्किन के लिए जो है वो वॉर्म टोन होती है हमारी स्किन या कूल टोन होती है हमारी स्किन, और कुछ लोगों की होती है न्यूट्रल टोन, जैसे कि मैं हूँ न्यूट्रल टोन वाली। अब वॉर्म टोन वाले कौन से होते हैं, जिनके कलाई में मैंने बताया कि ग्रीन वेन्स होती है, ठीक है। कूल टोन वाले कौन होते हैं, जिनकी वेन्स जो होती है पर्पल कलर की। अब दूसरी बात मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि हम लोग जो है नॉर्मली जो है वो हमारे जो एशियाई कंट्रीज हैं ये गर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोगों की टोन जो होती है वो वॉर्म टोन होती है। अब वॉर्म टोन को कैसे पहचानेंगे हम, कि उनके कलर के अंदर से येलोइश कलर, ऑरेंजिश कलर जो है वो छलकता है, ठीक है, उनकी टोन के अंदर से, यानी हमारी स्किन के अंदर से। और जो कूल टोन वाले होते हैं बहुत ज़्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन के, और उनके अंदर पिंकिश कलर आ रहा होता है, और जो है उनकी टोन, जैसे कि जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ के लोग हैं जो वहाँ रहते हैं, जो वहीं की पैदाइश हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उनका नॉर्मली कॉम्प्लेक्शन जो होता है बहुत वाइट होता है, बहुत फेयर होते हैं, और उनकी जो ये चीक्स वगैरह होती हैं ये रेड होती है, नोज़ रेड होती है, ठीक है। तो वो नॉर्मली जो होते हैं उनके अंदर जो है वो कूल टोन पाई जाती है। तो गाइस जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि उनके अंदर जिनकी वॉर्म टोन होती है उनके अंदर से येलोश कलर, ऑरेंजिश कलर छलकता है, ठीक है। जैसे हम लोगों की स्किन होती है, हमारा कलर है, कॉम्प्लेक्शन है, तो उसके अंदर से पता चलता है कि जो है येलोश टोन आ रही होती है, ठीक है। तो जो येलो टोन वाले लोग होते हैं ना, जो उनके वो होते हैं वॉर्म टोन वाले, और जो पिंकिश टोन वाले होते हैं जिनके अंदर से कॉम्प्लेक्शन के अंदर से पिंक पिंक कलर आ रहा होता है, तो वो होते हैं कूल टोन वाले, ठीक है। तो अब जैसे एक स्ट्रॉबेरी है, ठीक है, तो उसका कलर क्या है, आप खुद सोचिए कि जब वो बन रही होती है तो किस कलर की होती है, ये ग्रीन कलर की, ठीक है। और ग्रीन कलर को फिर अल्लाह ताला किस कलर में चेंज करते हैं, रेड कलर के अंदर। तो इसी तरह जब हमारी स्किन के ऊपर रेड पिंपल्स होते हैं, एक्टिव पिंपल्स होते हैं, तो हम उसको किस कलर से काटते हैं, ग्रीन कलर से। इसी तरह आप सोचिए कि आपकी स्किन के अंदर जो है वो आपकी जो डार्क सर्कल्स हैं वो पर्पल हैं, हम लोगों को नॉर्मली ब्लैक लगते हैं, जिसको हम कहते हैं ना ब्लैक सर्कल, डार्क सर्कल, तो ये होते हैं पर्पल कलर के। वो क्यों होते हैं, क्योंकि हमारी जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उसकी वजह से हमारे आईज के नीचे डार्क सर्कल्स पड़ जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होती है, जिसकी वजह से हमारे साथ ये क्लॉटिंग का मसला होता है और फिर हमारे डार्क सर्कल्स बढ़ जाते हैं। तो उस कलर को काटने के लिए हम कौन सा कलर यूज़ करते हैं, ऑरेंज कलर। जितने भी हम लोग हैं वो ऑरेंज कलर यूज़ करते हैं, जिनका बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन है और वो ऑरेंज कलर यूज़ करते हैं और उनकी जो है वो बेस के साथ वो मसला करता है, तब तो वो ऑरेंज की जगह पे पीच कलर यूज़ कर सकते हैं, यानी ऑरेंज से लाइट शेड यूज़ कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, अब हमने रेड रेड कलर को ग्रीन कलर से काटा। अब ग्रीन कलर के ऊपर अगर आप डायरेक्ट फाउंडेशन लगा देंगे तो वो नजर आएगी, लेकिन आपने उसको न्यूट्रलाइज करना है, यानी आपने उसकी करेक्शन करनी है। आपने रेड कलर को ग्रीन कलर से काटा है और उसके बाद आपने उसके ऊपर अपने टोन का कंसीलर लगा दिया, ठीक है। तो आपने उस और आपने उसको ब्लेंड जरूर करना है। अच्छा, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं मुझसे, जब जब तक उनने क्लास नहीं ली थी तो वो क्या करते थे कि डायरेक्ट लगाया कलर करेक्टर और उसके ऊपर बेस लगा दी। अब जब कलर वेट है और आपने उसके ऊपर बेस लगा दी तो वो कलर मिक्सिंग हो जाती है, जिससे कलर चेंज हो जाता है। आपने मर्ज जरूर करना है, स्किन के ऊपर कलर करेक्टर लगाइए, उसको ब्लेंड करिए, देन उसके बाद आप उसके ऊपर फाउंडेशन लगाइएगा।
तो वो फिर मर्ज नहीं होगा। देन आप उसके ऊपर कॉम्पैक्ट पाउडर लगाइए, ठीक है, ताकि वो लॉक हो जाए। अच्छा, फिर अब मेरा ख्याल में आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हमने अपने रेड कलर को आपने ग्रीन कलर से कट करना है, यानी जो कलर्स ऑपोजिट होते हैं उन कलर से आपने कट करना है। पर्पल डार्क सर्कल्स को आपने ऑरेंज कलर से कट करना है, रेड पिंपल्स को आपने ग्रीन कलर से, कलर करेक्टर से कट करना है, ठीक है। और उसके अलावा आपने जो है वो आपके, अगर जो है हम लोग एशिया में जो है ना ज़्यादातर जो है वो हम लोग कलर करेक्टर यूज़ करते हैं ऑरेंज और ग्रीन, ठीक है, और या फिर वो ओरिएंटल कलर जो यूज़ होता है, यानी स्किन का जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। जो पर्पल और जो ये बाकी कलर ही बहुत कम यूज़ होते हैं हमारे यहाँ। तो अभी आप लोगों को ये समझ में आया कि हम कलर करेक्टर क्यों यूज़ करते हैं। हम कलर करेक्टर यूज़ करते हैं अपनी स्किन को इवन टोन में लाने के लिए, उस कलर को जो आपकी स्किन से हट गया है न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कलर करेक्टर को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपने अब क्या, अब आपको ये समझ में आ गया कि हमारी इवन टोन में स्किन होगी, देन ही हम उसके ऊपर जब फाउंडेशन अप्लाई करेंगे तो वो हमें इवन फ्लॉलेस लगेगी और बेस जबरदस्त बैठेगी स्किन के ऊपर, ठीक है। और उसके अंदर से जो आपके फेस के जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं छलकेंगे बेस के अंदर से, जब आप उसकी करेक्शन कर चुके होंगे। तो आपको अब करेक्शन, कलर करेक्टिंग समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं कंसीलर के ऊपर कि कंसीलर जो है वो हम क्यों यूज़ करते हैं और कंसीलर का यूज़ क्या है। तो कंसीलर को जो है वो हम टू टाइप्स के लिए यूज़ करते हैं। कंसीलर यूज़ होता है न्यूट्रलाइजिंग के लिए भी और हाईलाइटिंग के लिए, यानी हम जो एरिया अपने फेस के हाईलाइट करना चाह रहे होते हैं उस पर हम कंसीलर यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बोर्ड पे बता देती हूँ जी गाइस। तो अभी हमने करेक्टर के ऊपर सीखा, ठीक है, कि कलर करेक्टर हमने क्यों यूज़ करना है। अब मैंने बनाया है आप लोगों के लिए बोर्ड कंसीलर, कि अगर आप कलर करेक्टर नहीं यूज़ करना चाहते और आप कंसीलर ले रहे हैं, आपने कंसीलर परचेज किया है, तो आपको कंसीलर किस लिए यूज़ करना है। कंसीलर हमारा यूज़ होता है दो चीज़ों के लिए, एक तो न्यूट्रलाइज करने के लिए यानी कलर को कट करने के लिए, यानी एज फॉर कलर करेक्टर, और दूसरा हाईलाइटिंग के लिए। अच्छा, अब जब हम कंसीलर को यूज़ कर रहे हैं कलर को न्यूट्रलाइज करने के लिए, कलर को न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो हम क्या करेंगे कि हम अपनी स्किन टाइप से, हम अपनी स्किन टोन से दो कलर डार्कर कंसीलर लेंगे, यानी अब हमारी स्किन के ऊपर जो है वो दाग धब्बे हैं, ठीक है, तो उनको हमने हाइड करना है। तो हम, अगर मैं जो हूँ 45 का शेड यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, यानी मेरी स्किन जो है वो 45 शेड के, मैं क्रायलॉन की बात कर रही हूँ, तो मैं कंसीलर किस कलर में लूँगी, मैं कंसीलर लूँगी 36 के अंदर, ठीक है। तो क्योंकि क्रायलॉन में जो है वो 36, 45 और 38 और आइवरी शेड आ रहे होते हैं, तो मैं आपको उस हिसाब से बता रही हूँ कि आपने दो शेड डार्कर लेना है जब आप वो कंसीलर यूज़ करेंगे एज अ कलर करेक्टर, कि आपने अपनी शेड से दो कलर डार्कर लेना है शेड, तो आप उसको फाउंडेशन से पहले अपने फेस पर उन जगहों पे अप्लाई करेंगे जहाँ पे आपके दाग धब्बे हैं जिनको आपने हाइड करना है, और फिर आप उसको जो है वो मर्ज करके देन उसके ऊपर फाउंडेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे कि कलर करेक्टर को हम फाउंडेशन लगाने से पहले यूज़ करते हैं, कलर करेक्टर को हम डार्क सर्कल्स के लिए हम ऑरेंज यूज़ करते हैं, और पिंपल्स के लिए हम ग्रीन यूज़ कर रहे होते हैं, और जो है ब्राउन के लिए, यानी जो है वो दाग धब्बे जो है, एक्ने स्कार्स जो है उसके लिए हम जो है वो लाइट ब्राउन कलर का शेड यूज़ करते हैं, देन हम उसके ऊपर जो है फाउंडेशन अप्लाई करते हैं। इसी तरह अगर हमने कलर करेक्टर नहीं परचेज किया और हमारे पास कंसीलर है, तो हमने अपने शेड से दो टोन डार्कर शेड लेना है और उसको, उससे अपने जो स्किन के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हाइड करना है, देन हमने उसके ऊपर यूज़ करना है कंसीलर, ठीक है। टू शेड डार्कर कंसीलर लेके हमने फाउंडेशन से पहले यूज़ करना है कंसीलर। और अगर हमने अपने स्किन के लिए हाईलाइट करने के लिए, यानी हमारा ये एरिया, हमारा ये एरिया और हमारा ये एरिया,
इसको अगर हम हाईलाइट करना चाहते हैं, यानी ये चीज जो है हमारी, हम इसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं और यहाँ पे हम कॉन्टोर कर देते हैं। तो ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने अपनी स्किन को कलर करेक्टर से करेक्ट कर लिया, उसके ऊपर हमने फाउंडेशन लगा दिया। अब हमारी स्किन हो गई इवन टोन के अंदर, ठीक है, यानी अब हमारी पूरी स्किन एक टोन के अंदर आ गई है। अब हमने क्या करना है कि अपने स्किन के जो फीचर्स हैं उनको इन्हेंस करना है। तो हम क्या करेंगे, फिर हम अपनी टोन से दो शेड लाइटर कंसीलर लेंगे। जैसे अब मैं अगर ये अक्रायलॉन के अंदर अगर मैं यूज़ कर रही हूँ अपने शेड को, 38 फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी कि मैं 45 शेड का कंसीलर यूज़ करूँगी। ये मैं आइवरी शेड में कंसीलर यूज़ करूँगी, जो कि यहाँ पे यूज़ करूँगी, यहाँ यूज़ करूँगी, यहाँ यूज़ करूँगी, ठीक है, या फिर इस एरिया को हाईलाइट करूँगी, ये चीज़ इस एरिया को हाईलाइट करूँगी, ठीक है। तो क्या होगा, अब क्या हुआ कि हमने फाउंडेशन लगाने से पहले अगर यूज़ किया कंसीलर, तो टू शेड डार्कर कंसीलर लेके हमने अपने चेहरे के सारे प्रॉब्लम्स को हाइड कर दिया, हमने उसको यूज़ किया एज अ कलर करेक्टर। और अगर हमने अपने स्किन की हमने अपने फाउंडेशन को लगा लिया है, अब हम अपने फीचर्स को इन्हेंस करना चाहते हैं, तो हम कंसीलर लेंगे टू शेड लाइटर, ठीक है, ताकि हम अपने चेहरे के जो फीचर्स हैं उसको इन्हेंस कर सकें। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि कंसीलर को हम किस किस लिए यूज़ कर सकते हैं। कलर करेक्टर को हम सिर्फ फाउंडेशन से पहले यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अपने चेहरे के फ्लॉज को छुपाने के लिए, और कंसीलर को हम फाउंडेशन से पहले यूज़ कर सकते हैं डार्कर शेड में लेके, और लाइटर शेड में लेकर हम फाउंडेशन के बाद यूज़ कर सकते हैं अपने स्किन के फीचर्स को हाईलाइट करने के लिए। अब आप इसी से सोचिए कि अगर हमने एक आइवरी शेड ले लिया और मुझे यहाँ पे बहुत डार्क सर्कल है, और मैंने जनाब आइवरी शेड लगा दिया, ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे काला रंग है और मैंने आइवरी शेड लगा दिया, तो वो काला और सफ़ेद मिलके क्या हो जाएगा, ग्रे कलर बन जाएगा, तो वो छलकेगा ना, वो नज़र आएगा। तो हमने क्या करना है, हमने छुपाना है अपने डार्क सर्कल्स को, तो हम डार्क शेड लेंगे तो ही वो छुपेगा, हम ब्राउन शेड लेंगे तो ही वो छुपेगा, देन हम उसके ऊपर अपने शेड का फाउंडेशन यूज़ करेंगे, फिर वो हमें फ़ायदा देगा। तो आज मेरा ख्याल में आज आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कंसीलर और कलर करेक्टर में क्या फ़र्क है, कलर करेक्टर को हम किस लिए यूज़ करते हैं और कंसीलर को हम किस लिए यूज़ करते हैं। यानी कलर करेक्टर भी न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ होता है, कंसीलर भी न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ होता है, बट कंसीलर एज अ हाईलाइटर भी यूज़ होता है, जबकि कलर करेक्टर जो है ना वो करेक्शन के लिए ही यूज़ होते हैं, ठीक है। कलर करेक्टर बहुत सारे कलर्स में आते हैं, और कंसीलर जो है वो आपको अपने शेड से डार्कर या अपने शेड से लाइटर लेना होता है। इसके अंदर आपको कलर्स, डिफरेंट कलर नहीं आते, ग्रीन, पर्पल, येलो, ऑरेंज नहीं आता।